हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबका स्वागत है। और शाम का टाइम हो रहा था, मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही थी तो मैं इतना रोने लगी, मींस आंखों में इतना आंसू आ गए, क्योंकि आपको पता ही है प्याज कट करते हुए आप देख ही सकते हो इतना ज़्यादा। तो मैंने कहा देखो मैं कैसे लग रही हूँ, जैसे कि मैं इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ, क्योंकि जब मैं प्याज कट करती हूँ ना तो मेरे आँखों में बहुत आंसू आ जाते हैं। और ये देखो मैंने एकदम से देखा, ये कैंची लेके ना कुछ पेपर वगैरह कट कर रहा था, तो मैंने इससे छीना, फिर मेरे ना घड़ी का जो है वो हो गया था, तो सेल मैंने फटाफट चेंज किया, साथ में ही मेरा रात के डिनर का टाइम हो गया था। तो मैं बना रही थी आज कड़ी, आलू मटर वाली कड़ी, तो मैं उस वो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम नहीं हुआ था, मतलब हो गया था मेरे ख्याल से 6 बजे का टाइम हो गया था, रात का टाइम होने वाला शुरू हो गया था। तो मैंने फटाफट कड़ी बनानी स्टार्ट कर दी थी, मतलब तड़का लगा के मैंने कहा चलो कड़ी बना कर रख लेती हूँ और साथ में जो है आटा गूंद के रोटियाँ भी बनाई देती हूँ, क्योंकि जितना जल्दी काम करो उतना मेरे को ऐसा लगता है कि अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ जाती हूँ। तो उसके बाद है मैं मतलब 6 बजे से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ ना, मोस्टली मैं 7-7.5 बजे तक अपना डिनर बना देती हूँ, नहीं वैसे कभी कभी मैं लेट स्टार्ट करती हूँ, बट मैं जल्दी कर लेती हूँ डिनर वगैरह बना कर रख देती हूँ, हम करते लेट है बेशक। और ये मेरा कैमरा है ना थोड़ा सा फोकस नहीं कर रहा था, तो इसलिए ज़्यादा कभी लाइट ज़्यादा दिख रहा था कभी कम। तो मैंने देखो आलू मटर यहाँ पे डाल दिया और मैं फटाफट अभी आटा गूंद के रख दूंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि लगे हाथ में आटा भी गूंद के रख देती हूँ, साथ में मेरी कड़ी भी बनती रहेगी, फिर जब तक मेरे को फुलके लगाने होंगे तब तक मेरा आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, होता है ना मैं मतलब 10-15 मिनट पहले सब गूंद के रख देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है आटा हमारा। तो यहाँ पे मेरी कड़ी बननी स्टार्ट हो गई थी, मींस आलू और मटर थोड़े बहुत वो हो गए थे, तो मैंने ऊपर से लस्सी डाल दी थी और अब ये देखो मेरी कड़ी यहाँ पे बॉईल होनी स्टार्ट हो गई थी और बहुत टेस्टी बनी थी। तो साथ में मैंने यहाँ पे मेरी कड़ी बन गई थी, तो मैंने फुलके बनाने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि 6:30-7 का टाइम हो रहा था और ये जो है लड़की इस टाइम है जो बर्तन मांजने आई थी, तो इस मैंने कहा चल तू शाम के टाइम पे भी एक टाइम बर्तन मांज के चली जाए कर, तो नेक्स्ट मॉर्निंग तेरे को कम काम हुआ करेगा। तो फिर मैंने कहा कि इस मैं बुला ही लेती हूँ, तो ये आई गई थी, तो आते आते मेरा दिमाग बहुत खा गया जाते, मुझे बोल रही कि चाची मेरा ना मुँह मत दिखाना आप, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है नहीं दिखाती, तू तो कटी फिर रही है पहले ही, तो यही मैं मजाक कर रही थी इसके साथ। तो उसके बाद मैंने खाना बना लिया फटाफट, और मेरे ना मतलब आप लोग को पता है मेरे पास ना मतलब मेरे पास एक तवा है, एक दूसरे वाला नॉन स्टिक वाला, तो मेरे से उसमें रोटी नहीं बनती। तो ये तवा मैं आपको क्या बताऊँ, ये तवा बहुत पुराना तवा है हमारा, बहुत आप मान भी नहीं सकते, ये कब का तवा है पता है आपको, ये तब का तवा है जब मेरे हस्बैंड 5-6 साल के थे, तो मेरी सासू माँ ने बोला कि ये मेरा तब का तवा है, तो सबके घर पर नीचे वाले घर में हम जब रहते थे उधर वाले घर में जब हमने ये घर नहीं बनाया था तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और अभी भी मेरे को ऐसे लगता है जैसे इसमें जल्दी रोटी बनती है और जल्दी ये तवा गर्म हो जाता है। तो अब मेरे को बहुत लोगों रिकमेंड करके बोला, तो मैंने कहा चलो यार आज चेंज ही कर लेती हूँ, तो मैं भागी भागी नेक्स्ट मॉर्निंग जाऊंगी सामान खरीदने और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो यहाँ पे मेरा डिनर हो गया था तैयार, तो मैंने बनाया है कड़ी, जैसे कि आपने पूरी रेसिपी देखी है सिंपल। तो आज मेरी कड़ी रेसिपी है आलू मटर वाली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू मटर वाली पसंद है, तो ये देख सकते हो आप ये बन गई है मेरी कड़ी रेडी है। तो मैंने रोटी भी बना के रख दी है, जस्ट अब वेट है मेरे हस्बैंड का कि वो जब आएंगे तो हम डिनर करेंगे, तब तक मैं बच्चों को डिनर करवा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा मेरे ख्याल से 9 बजे तक मेरे हस्बैंड आएंगे, तब तक मैं बच्चों को डिनर करवा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर तक। हे एवरीवन, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर अपना, मैं जा रही हूँ अपने किचन के लिए कुछ मैं लगाऊँ, ये लगा लो अपना है, कितने चला का मैं नहीं लगाती, ये पता नहीं किसका है, मेरा है, आपका है, फिर ठीक है। तो मैं जा रही हूँ अपने किचन के लिए, थोड़ा बहुत किचन मतलब कि थोड़ा बहुत सामान लेने जा रही हूँ जो कि मेरे पास अभी है, बट मेरा मन कर रहा है कुछ न्यू लेके आओ। तो ये मैंने जो लिपस्टिक लगाई है मैं इसका बहुत जल्दी आपको रिव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी लिपस्टिक लग रही है। कैसी लग रही है बेबी लिपस्टिक? सच में अच्छी लग रही है ना, और ये बिल्कुल कुल मेट फिनिश में है और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आ रही है। मैंने देखो थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर लगाया है, तो अभी चलती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लूंगी, और वहां पे दिखाती हूँ मैं क्या क्या देख रही हूँ, क्या लूंगी, जो भी है आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि अब डेली व्लॉग बनाने का जो मैंने ठान लिया है उसमें मैं खड़ी उतरूंगी और करके दिखाऊंगी कि अपने डेली व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ अच्छे अच्छे, जिससे आप लोगों को भी देखने में इंटरेस्ट आए। तो अभी चलते हैं मॉल में, फिर मिलती हूँ आपको। कंपलसरी हो गया ये, हर जगह कंपलसरी है। ये जो चीनी है ना
ये वही तो शुगर है जो मैंने मंगाया है यहाँ पर, वो बच्चों के लिए जो लाए हैं। चलो तो चिप्स वगैरह लेंगे ना, ये क्या, ये मैगी है। हाँ जी, बनी हुई मैगी। इसको बस पानी डालना पड़ेगा, गर्म नहीं अच्छा नहीं होता, ये मुझे नहीं पसंद आई। इसको भूनना, आके ऊपर चलो ना, मेरा मेन पॉइंट तो हमारा ऊपर है। खुशी का फेवरेट है ये, है शायद वो। नीचे मुझे लगा जो वो वाला साइड है, एक वो भी चकना है लेना यार, 99 का है। न्यू अराइवल्स, कर्टन्स तो नहीं देखने। जिसके से इस टाइप का 48 नंबर लॉकर है, कभी अपने लॉकर का पैसा बंद करें, थैंक यू। आज वो कढ़ाई देखते हैं, ये साइज आपको ठीक लग रहा है? बड़ा, इससे बड़ा है ना, एक साइज बड़ा दिख जाए, दिख रहा कहीं आपको? देखना उठाना, हाँ ये बड़ा है शायद इससे। ये वाला छोटे पीस लग रहे हैं ना, और ये जो बॉक्सेस में है कोई है नहीं, ये हमें बता दे कि इससे बड़ा साइज भी है, क्योंकि ये काफी छोटा साइज लग रहा है। इसका वो, इसका कैप ऊपर से वो नहीं है ना, ढक्कन नहीं है, मैं आपको दिखा। हाँ ये पूछ लेते हैं इसे से। हाँ ये साइज ठीक था, बट इसका ऊपर से वो नहीं है, अलग से मिल जाएगा, या तो वो गया उधर के, ये ठीक है। इस पे ढक्कन नहीं है ना, बेबी दूंगा, बुलाना आप किसी को। अभी तक तो मैंने वो पसंद किया है, बाकी ये भी ठीक लग रहा है। ऑप्शन तो यहाँ पे बहुत है, बट कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ये हाथ में क्यों रख दिया? ये हमने लिया है पॉपकॉर्न, ये चीज वाला है ना, ये चीज वाला, दो चीज वाले और दो नॉर्मल बटर और सॉल्ट वाले लिए बच्चों के लिए, ये चीज वाले लिए हमने अपने लिए। डिलीशियस परफेक्ट क्रंच, अच्छा लग रहा था ना, कलर भी देखने में।